हेलो नूरी, कौन? मैं ना शौर्य। कौन शौर्य? वो आपके ऑफिस में काम करता हूँ। ऑफिस वाला? हाँ। ओ वो चश्मेश? हाँ वो नहीं डेटाबेस में आपका नंबर देखा था तो सोचा फोन करके पूछ लूँ। क्या? नहीं वो अगर सोचा फोन करके पूछेगा, लेकिन ये नहीं सोचा क्या पूछेगा? नहीं नहीं, नहीं सोचा है। क्या सोचा चश्मेश? नहीं मैंने अच्छा आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या चश्मेश लोगों से? बोल चश्मेश। हाय, एक्चुअली आई वांट टू डू फ्रेंडशिप विद यू। क्या शादी नहीं करेगा? नहीं 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 हाँ मतलब कर सकते हैं। पक्का? हेलो खाना पसंद है? आपको खाना पसंद है? हाँ? कौन सा खाना? सब टाइप का। अच्छा देख, मैं 5 तक गिनूंगी। अगर तूने वो खाना बताया जो मुझे पसंद है तो तू मुझे डिनर पे ले जा सकता है। अगर नहीं तो तू मुझे दोबारा फोन मत करना। दो महीने में शादी है मेरी। अरेंज मैरिज।
नशा मेरे रूबरू सुनी तुमने? कौन सी आवाज? ये कौन कर रही है? डरा रही हूँ मुझे फिर यहाँ रहेंगे इस घर में? Of course not. शिफ्ट हो जाएंगे हम कहीं, मैं ले लूंगा कहीं नया घर. नया शौर्या, हमारे पास पैसे नहीं है. यार अरेंज ना, अरेंज फॉर समथिंग. नहीं ऐसे नहीं होता शौर्या, दिस इज नॉट सम. हो जाएगा, प्लीज मैरी मी. मैं दो दिन में निकल रही हूँ. मैं दो दिन में निकल रही हूँ. तो मैं कल कर ले लूंगा ना. नो व्हाट, मैं कांट. नो नो, टेल मी वन थिंग, डू यू लव मी? यस आई डू, आई लव यू. दैट्स इट, दैट्स इट, बाकी सब हो जाएगा. आई लव यू. तो ये हमारा घर होगा. वन बी एच के वन रूम चल रहा है. कुछ बजट तो ज़्यादा नहीं है अभी, 15 के आसपास है. सैलरी मिलेगी तो थोड़ा कर लेंगे. प्लीज सर, थोड़ा ट्राई कीजिए ना. प्लीज़ थोड़ा प्लीज़ हेल्प कीजिए ना सर, सीरियसली. 15,000 में तो कोई चांस ही नहीं है सर. क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा बाद में कर देंगे, एक महीने सर. वन रूम किचन का बजट ही 20,000 है. 15,000 में कहाँ ढूंढ रहे हैं आप, और वो भी इस एरिया में? कोई आसपास कोई मिल जाए तो थोड़ा. सर पॉसिबल ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आपको. थोड़ा अर्जेंट है सर, और कुछ नहीं है. देखिए सर, अर्जेंट हो कुछ भी हो, पॉसिबल नहीं है सर. 15 सर, दो हफ्ते में सैलरी आएगी तब कुछ कर लेंगे सर. अभी दो हफ्ते बाद आ जाएगा ना. 15,000 में कैसे होगा? प्लीज सर, सर अर्जेंट है, आप थोड़ा हेल्प करेंगे. आई एम श्योर सर आप करेंगे, हो जाएगा. अच्छा चाहिए कब? आज चाहिए सर, शाम तक शिफ्ट होना. आज शिफ्ट होना? वही सर, थोड़ा अर्जेंट हो गया है सर. प्लीज प्लीज सर, सर आप डिपॉजिट है आपके पास में? अभी नहीं है सर, बट वही सर सैलरी आएगी तो तब कुछ कर लेंगे सर. शौर्या जी, डिपॉजिट आपके पास में है नहीं, 15,000 का बजट आप लेकर के चल रहे हैं. आज के आज आपको चाहिए सर, आप नहीं हो पाएगा. एक्चुअली मैं शादी कर रहा हूँ, तो इसलिए अर्जेंटली शिफ्ट हूँ. तो मत कीजिए ना शादी सर. प्लीज नहीं हो पाएगा. प्लीज थोड़ा हेल्प करें सर, हो जाएगा सर. मैं वेट सर.
भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब वो ब्रेड चाहिए ना फाड़ के, मैं देता हूँ आपको 15,000 में। किधर? इधर ही बगल में आओ ना सर, कोई टेंशन नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना वैसे फ्लैट में इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप बिंदास रहो, 3 महीने तक कोई बोलने वाला नहीं है। नया बना हुआ फ्लैट है ना? नया बना। हाँ सर, ये भी आ जाओ सर। चाचा थोड़ा कम सुनाई देता। बिल्डिंग इतनी खाली से कोई रहता नहीं? नहीं सर, 2 साल से तो बिल्डिंग बनके तैयार है, बट वो कुछ लीज इसका चक्कर हो गया, उसी नहीं मिल पाई, तो कोर्ट में कुछ लफड़ा है। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं, अब आप रहो आराम से। नहीं जावेद भाई ना, उन्हीं का फ्लैट है, वो लेके रख दिया, कभी आते भी नहीं। हम लोग कभी लंदन आते अपना खेल लेते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उनका जावेद भाई? नहीं नहीं नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वो कभी आते ही नहीं, मैं ही देखता हूँ उधर सब कुछ। पर अपना बढ़िया मॉर्निंग में वो आ जाता है, अपना पानी भर लेना आप, और लाइट 24 घंटे, टीवी है, फ्रिज है, एसी है। प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ ना सर, कोई दिक्कत ही नहीं। किचन है, इधर फ्रिज है, हीटर है, सब। अपना दूसरा बेड, ये बेडरूम है, उधर अटैच लैट्रिन बाथरूम है। सर दूसरा बाथरूम, सर वो लाइट ट्रिप हो गया, मैं थोड़ा बाहर ठीक करके आता हूँ, तब तक आता।
हेलो हेलो नूरी नूरी लिसन 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 आई एम कमिंग I'm on my way. Coming. Come on. हेलो मुझे एक कोई चाबी या कुछ ऐसा कोई बनाने का नंबर चाहिए, हमारा दरवाजा अटक गया। नहीं मुझे कोई चाबी कोई लॉक बनाने वाले किसी का नंबर प्लीज आप भेजिए जल्दी, मैं उसमें अटक गया है, लॉक टूट गया है लॉक। यस प्लीज आप मैसेज भी कीजिए उनको कॉल करने को, जल्दी आप थोड़ा लिसन हेलो हाँ मेरी बैटरी थोड़ी लो है, प्लीज थोड़ा जल्द अर्जेंट भेज सकते हैं। मैं आपको नंबर तभी भेज देता हूँ मिस्टर शौर्या। थैंक यू। और एक खुशखबरी देना चाहूंगा मैं मिस्टर शौर्या आपको कि आप फ्री मूवी टिकट दे सकते हैं। लिसन जस्ट प्लीज सेंड द नंबर पास। थैंक यू। हेलो ये मुझे कोई चाबी बनाने वाले का नंबर सॉरी आप उसको भेज सकते हैं कि चाबी बनाने वाले को आपको चाबी बनवानी है ताला खोलना है नहीं मेरा ये लॉक अटक गया है मैं अंदर से लॉक टूट गया है हमारा और चाबी बाहर रह गई है अच्छा चाबी बाहर रह गई है हाँ ताला तोड़ना पड़ेगा
ताला तोड़ना पड़ेगा, तो प्लीज आप किसी को भेज सकते हैं? आप किस एरिया में हैं? ये प्रभा देवी एरिया में, प्रभा देवी में ये सिद्धि विनायक, हेलो, हाँ ये सिद्धि विनायक के। नो God!
हेलो 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 Oh!
नीचे you
भाई साहब ये स्वर्ग अपार्टमेंट है क्या है? ये स्वर्ग अपार्टमेंट है? हाँ। यहाँ कोई रहता है? कोई नहीं रहता यहाँ पे। हमें 2 साल हो गए नौकरी करते हुए, इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। अब जाइए।
The evolution of Homo sapiens is a truly remarkable event. And as we know from Charles Darwin, it's all about survival of the fittest. Now, what would I do if I was exploring the wilds? And I'd run out of supplies. Say I was in the Sahara Desert or the Amazon rainforest, or even trapped in a small room. What would I do for that vital source of nourishment? I'll tell you, a cockroach. Now, this little fella is packed full of protein. Not only that, it can survive for 1 month without food. You, my friend, you can't. So what do I suggest? I suggest taking this, putting it on the end of your tongue, and...
कभी नहीं खाया चिकन? नो, कभी नहीं। क्यों? बचपन से नहीं खाया कभी, घर में भी कोई नहीं खाता। क्यों? अगेंस्ट रिलीजन। बट आई हैव रिलीजियस फ्रेंड्स, वो तो खाते हैं नॉनवेज। या सो देयर बैड कर्मा वो निकलेगा कभी। तो मेरा भी बैड कर्मा होगा क्योंकि मैं चिकन खा रही हूँ। नॉट सेइंग दैट। तुम तो यू आर अ नाइस गर्ल ना, अदरवाइज तो बैलेंस हो जाता है। And you're a bad guy, but तुम चिकन नहीं खाते तो बैलेंस हो जाता है। Are you one of those people जो you know beef ban, meat ban,
हाँ आई थिंक ठीक है. कैसे ठीक है? वो तो फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो मेरा चॉइस है ना कि मैं खाऊं या ना खाऊं. तुम कौन होते हो बोलने वाले बीफ मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत करो? Who are you to say that? Or you or anyone for that matter? Listen, मैं तो नहीं बोल रहा किसी को जाके. I'm just being honest. मुझे नहीं पसंद है तू. And it's wrong. Why? Why do you have to kill somebody? It's not wrong. It's not wrong. तुमने देखा नहीं wild में क्या होता है? जानवर जानवर को खा देता है. क्योंकि वो हम ही तो जानवर हैं. तुमने कभी देखा है शेर को आलू बॉईल करके खाते हुए? वो नहीं खा सकता क्यों? But we can eat this. तुम्हारे घर में मैं किसी को बोलूं कि मुझे अच्छा लगता है मैं मार के खा लूं, तुम कहोगे खा लो? He'll defend himself. हाँ, वो ही तो. Just because they can't speak, उनको मार दो, काटो. Just because it's yummy. That's strange to me. जोक सुनो. एक बार ऐसे बहुत सारे चूहे इकट्ठे साथ में बैठे हुए थे, तो आपने कैसे सेक्सी सी एलिफेंट क्रॉस हुई. पता एक तेज चूहा क्या बोला? बोला देख 36,000 24,000 36,000. थैंक यू. जी चैट विद रैट में आप सबका स्वागत है. सुन रहे हो ना आप लोग? तुझे सुनाई दे रहा है? यहां किसी को सुनाई नहीं देता है. देख वॉचमैन, क्या प्लान है, क्या करना है? देखिए तो इस लाइफ में टूटेगा नहीं, फिर किसी भी कूद नहीं सकते. आवाज लगे तो कोई फायदा नहीं, सब बहरे नीचे, किसी को सुनाई नहीं देता है. और क्या पता सुनाई भी देता है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है. बस एक ही ऑप्शन है, वो जो 30th फ्लोर पे बैल्कनी है ना, उसमें ग्रिल नहीं है. वहां तक जाने के लिए पहले अपनी ग्रिल को काटना पड़ेगा. और अपनी ग्रिल काटने के लिए क्या हमारे पास? फैन का ब्लेड है जो खुद ही कट जाएगा, ट्यूबलाइट का स्टार्टर है, एसी का एक वो कटर टाइप है,
अपना वो पैन है बस। बाई चांस उससे ग्रिल कट भी गई ना, 5 फ्लोर तक नीचे जाना पड़ेगा बिना किसी हेल्प के। गलती से भी हाथ स्लिप हो गया ना एक बार तो सीधा वॉचमैन। इसकी कोई गारंटी नहीं कि उस फ्लोर का दरवाजा खुला होगा कि नहीं, वो भी एक चांस है, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ थोड़े दिन में पानी खत्म हो जाएगा, तेरा तो पता नहीं, तू तो किसी पाइप वाइप से निकल जाएगा, मैं ही मर जाऊंगा। नहीं मरना है मुझे, कुछ भी हो जाए इधर नहीं मरना है, बाहर जाना है यार, गर्मा गर्म से पाव भाजी खानी है, से मक्खन तैर रहा है उस पे, चौपाटी में जाके नहाना है, गोला खाना है ठंडा ठंडा, ऐसे लोकल ट्रेन में पीठ के बीच में खड़ा होना है एकदम पसीने में बदबू में, धक्के खाने हैं लोगों के, कंडक्टर के साथ हाथापाई करनी है, लड़ाई करनी है। ऑफिस जाना है, नौकरी से मिलना है, शादी करनी, बहुत सारे छोटे छोटे नूरीज और शौर्यस पैदा करने, करने मरना है।
know that when you look into an abyss, the abyss also looks into you. Well, what I say is, if an abyss looks at you funny, punch the abyss in the face. In this episode, we're exploring the Indonesian jungle. This really is the heart of darkness, where people fear to tread, and those that do never come back alive. In this jungle, we're going to find giant lizards, flies the size of my fist, alligators the size of buses, and birds the size of cars. Are you ready for that? Because let me tell you, what you don't know is going to get you killed. जैसे हे एहसास रातें सौगाते लगे Thank you.